नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे छिड़को तो करे चाहे, अरे छिड़को तो करे चाहे, अरे छिड़को तो करे चाहे, अरे छिड़को हमसे डरती है, उन छिड़को हमसे डरती है। रोटी कपड़ा और मकान झोपड़ा हमसे हक्कत, अरे झोपड़ा हमसे हक्कत। आप यहाँ आज बैठे हैं इतने लोगों के साथ, आपने धरना आंदोलन किया है, क्या कारण है धरना आंदोलन का, क्या बताया? हमारा धरना आंदोलन का एक ही कारण है, हम जो है तो पूरे साल भर से सिडको को जो है तो लेटरबाजी करते हैं, पाठ पुरावा करते हैं। एक तो सिडको उसका कोई अभी आज तक हमको जवाब दिया नहीं। दूसरी बात यह है अभी बारिश हमारे सामने 10 दिन के बाद बारिश गिरने वाली है, और बारिश के सामने जो है तो सिडको गोर गरीब लोगों के झोपड़े पुलिस का वापर करके जो तो झोपड़े तोड़ने का कोशिश कर रही है। तो इसके खिलाफ ने हमने लेटर दिया था, तुम अगर से झोपड़ा तोड़ना बंद नहीं करोगी तो हम जो तुम्हारे गेट के सामने बेमुदत धरने पकड़े। अब तक सिडको ने कहां पे झोपड़े पर कार्रवाई की है? अमराई नगर सेक्टर 9 यहाँ पे जो है तो मेरुल के अंदर उन्होंने कार्रवाई की, 40 घर उद्ध्वस्त किए, जिसके बाद 2004 से लेकर तो अभी तक के पुरावे थे। और महाराष्ट्र शासन कहता है कि 2011 के पास जो रहता है उसको जो तो हम लोग संरक्षण करेंगे। शूटिंग बाबा नगर इस मामले को लेके आपने सिडको प्रशासन से कुछ बातचीत की है, कुछ पत्र व्यवहार किया है क्या? सिडको से जो तो हमने ग्राहक संघर्ष समिति की तौर से और रिपब्लिकन सेना की ओर से इतने पत्र दिया है, ये भी पत्रकार तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि सिडको अपनी मनमानी कारोबार चला रही है? सिडको जो है तो 2011 के 1-1-2000 के जो महाराष्ट्र शासन ने जीआर निकाला है उसको नहीं मानती, यानी कि जिन आमदारों ने सिग्नेचर किया, 288 आमदारों ने सिग्नेचर किया उनको नहीं मानती, तो मनमानी ने तो क्या दादागिरी है, ये बिल्डर वाली सिडको है, बिल्डर को जमीन बेचती है। अभी आप सुबह से यहाँ पे बैठे, सिडको का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आपसे आके बात? सिडको का अधिकारी तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस के जरिए जो तो हमारे ग्राहक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हीरामन पगार के पास बोल रहे थे कि नायर साहब ने आपको मिलना कहे, नायर साहब से चलो, हमारे ग्राहक संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा नायर से मिलके क्या फायदा है, वो तो सुपारी लेके जो तो घर तोड़ता है, उससे क्या मिलेंगे हम लोग, हम मिलेंगे एमडी से, जो यहाँ का जो भूषण घगरानी है उसको मिलना है। आपकी अभी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, अभी बारिश आने वाली है, कोई भी जो तो झोपड़ा बारिश तक के तोड़ा ना जाए, बारिश के बाद तोड़ा जाए वो भी 2011 का जीआर अनुसार सर्वे किया जाए, सर्वे करने के बाद जिसका 2011 का पहले का नहीं है उसका झोपड़ा तोड़ा जाए, लेकिन जिसका 2011 का पहले का झोपड़ा है उसको हाथ में लगा जाए, ये हमारी मुख्य मांगनी। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? ये 365 दिन आंदोलन यहाँ पे रहेगा, हमारे 10 आदमी हर एक झोपड़पट्टी के 10 आदमी यहाँ बैठे रहेंगे।